बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू केंटर पब्लिशर वीडियो सेशन। आज हम हिस्ट्री ग्रेड 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं। अपने लेसन को पढ़ने के लिए आपके पास कैम्ब्रिज स्कॉलर सीरीज़ की आपकी टेक्स्ट बुक, आपका समर पैक और आपका रिसोर्स पैक होना चाहिए। हमारा समर पैक आपको इस लेसन को बेहतर तरीके से प्रैक्टिस करने में आपकी मदद करेगा, जबकि हमारा रिसोर्स पैक हमारे प्रिंसिपल, टीचर्स और पेरेंट्स की गाइडेंस के लिए है। हमारा रिसोर्स पैक आप केंटक की वेबसाइट से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा चैप्टर 1 है कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल, और आज हम डिस्कस करेंगे द क्वांटम ऑफ डेवोल्यूशन ऑफ पावर टू इंडियंस इंट्रोड्यूस इन द एक्ट ऑफ 1861, 1892, 1909 एंड 1919। ये चार एक्ट हैं हमारे पास जिन्हें हमने डिस्कस करना है, लेकिन आज के हम अपने इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे एक्ट ऑफ 1861, डेवोल्यूशन ऑफ पावर। सबसे पहले हम देखते हैं कि हिंदुस्तान में जो एक्ट इंट्रोड्यूस करवाए गए, ये एक्ट जो 1861 का एक्ट आज हम डिस्कस करेंगे, इस एक्ट को पेश करने की क्या ज़रूरत पेश आई। ब्रिटिश गवर्नमेंट हिंदुस्तान के लोगों को अपने साथ पॉलिटिकली इन्वॉल्व करना चाहते थे। पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंडियंस, हिंदुस्तान के लोगों को पॉलिटिकल अफेयर्स में इन्वॉल्व करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये एक्ट इंट्रोड्यूस करवाए। और आज हम सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1861 डिस्कस करेंगे, उसकी प्रोविजंस देखेंगे कि क्या क्या एक्ट में प्रोविजंस थी जिनके मुताबिक हिंदुस्तान के लोग पॉलिटिकली इन्वॉल्व हो सकते थे या उनको क्या पॉलिटिकल बेनिफिट्स दिए गए। द इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई ब्रिटिश गवर्नमेंट। दिस एक्ट वॉज पास्ड ऑन 1 अगस्त 1861। इट्स मेन प्रोविजन्स फॉर द फर्स्ट प्रोविजन वॉज गवर्नर जनरल वॉज एम्पावर्ड टू नॉमिनेट द एडिशनल मेम्बर्स इन हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। गवर्नर जनरल को ये पावर दी गई कि वो एडिशनल मेम्बर्स अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में ऐड कर सकता है, लेकिन उसके लिए साथ में उसको बाउंड किया गया किस चीज़ के लिए, दैट नॉट बी लेस देन 6 मेम्बर्स, 6 मेम्बर से कम मेम्बर्स नहीं होने चाहिए, एंड नॉट मोर देन 12 मेम्बर्स, और 12 मेम्बर से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। यानी गवर्नर जनरल अपने एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एडिशनल मेम्बर्स ऐड कर सकता है, लेकिन वो मेम्बर्स 6 मेम्बर से कम ना हों और ना ही वो 12 मेम्बर से ज़्यादा हों। इन नंबर फॉर पीरियड ऑफ 2 ईयर्स, लेकिन ये मेम्बर सिर्फ 2 साल के लिए काम करेंगे। 2 साल का अरसा इन मेम्बर्स का एग्जीक्यूटिव काउंसिल में होगा। एंड हाफ ऑफ देम मेम्बर विल बी नॉन ऑफिशियल, और इनमें से भी जो हाफ मेंबर्स होंगे वो नॉन ऑफिशियल होंगे, यानी कि उनका रोल सिर्फ एडवाइजरी होगा, वो सिर्फ विजिटिंग के लिए आएंगे, उनका कोई परमानेंट ऑफिस या परमानेंट उनको ऑफिशियली नहीं अपॉइंट किया जाएगा। देवर नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, हाफ मेंबर, यानी कि गवर्नर जनरल अपने एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एडिशनल मेंबर्स को ऐड करें, वो मेंबर 6 मेंबर से कम ना हों लेकिन 12 मेंबर से भी एक्सीड ना करें, और ये मेंबर सिर्फ 2 साल के अरसे के लिए होंगे, जिसमें से हाफ मेंबर्स जो होंगे वो नॉन ऑफिशियल होंगे। एंड द नेक्स्ट वॉज, इट वॉज डिसाइडेड दैट फ्रॉम नाउ कमांडर इन चीफ वुड बी अपॉइंटेड एज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेम्बर ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल। जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें कमांडर इन चीफ को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेम्बर के तौर पर लिया गया, यानी कि एक्स्ट्रा पावर्स कमांडर इन चीफ को दी गई। देन एनी बिल एंड रेगुलेशन पास बाय द प्रोविंशियल काउंसिल कुड नॉट बिकम लॉ until and unless governors and governor general have their assent for the bill and regulation. Provincial council को bill या कोई law बनाने के लिए power तो दी गई, लेकिन वो power सिर्फ इतनी ही थी कि वो कोई भी bill और कोई भी regulation को move कर सकते हैं, लेकिन वो तब तक pass नहीं माना जाएगा, तब तक वो एक law नहीं बनेगा कोई भी bill, जब तक governors और governor general उसको अपना असेंट नहीं देंगे, यानी कि उसको पास नहीं करेंगे, तब तक कोई भी बिल रेगुलेट नहीं होगा, ना वो कोई लॉ बनेगा। देन लास्ट वॉज, लिमिटेड पावर्स ऑफ लेजिस्लेशन वर गिवन टू प्रेजिडेंसीज ऑफ बंगाल एंड मद्रास, एंड द गवर्नर जनरल वर एम्पावर्ड टू क्रिएट सिमिलर काउंसिल्स फॉर द प्रोविंसेस ऑफ फ्रंटियर एंड द पंजाब। यहाँ पे 2 चीज़ें बताई गई। सबसे पहले ये था कि जो प्रेजिडेंसीज ऑफ बंगाल और मद्रास थी उनको सिर्फ लिमिटेड पावर्स दी गई लेजिस्लेशन के लिए। लेजिस्लेशन क्या होता है आपने पढ़ा होगा अपने प्रीवियस क्लासेस में, लॉ मेकिंग प्रोसेस। लॉ मेकिंग प्रोसेस के लिए जो प्रेजिडेंसीज थी बंगाल और मद्रास की, उनको सिर्फ लिमिटेड पावर्स दी गई, यानी कि उनको मुकम्मल तौर पर यह पावर नहीं थी कि वो कोई भी लॉ बना सकें या उसको पेश कर सकें या उसको पास कर सकें। एंड द गवर्नर जनरल वॉज एम्पावर्ड टू क्रिएट
सिमिलर काउंसिल्स फॉर द प्रोविंसेस ऑफ फ्रंटियर एंड पंजाब। और गवर्नर जनरल को ये पावर दी गई कि वो काउंसिल बनाए उसी तरह से जिस तरह से दूसरे प्रोविंसेस की हैं पंजाब और फ्रंटियर के लिए, यानी फ्रंटियर सरहद के लिए और पंजाब के लिए वो काउंसिल्स बनाए जिस तरह से उसने दूसरे सूबों के लिए या दूसरी एरियाज़ के लिए या प्रेजिडेंसीज या स्टेट्स के लिए काउंसिल्स बनाई गई। तो ये वो चार प्रोविजंस थी जो 1861 के एक्ट के इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे जो आज हमने डिस्कस की। वो क्या थी कि गवर्नर जनरल को एम्पावर किया गया और उसको ये एडिशनल मेंबर्स ऐड करने का कहा गया एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। उसके बाद कमांडर इन चीफ को एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स दी गई एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। और उसके बाद जो कोई भी बिल, अगर कोई भी प्रोविंशियल काउंसिल इंट्रोड्यूस करवाना चाहती है, लॉ बनाना चाहती है, तो उसके लिए उसको गवर्नर्स और गवर्नर जनरल का असेंट चाहिए होगा। और लास्ट में ये बताया गया कि जो प्रेजिडेंसीज हैं बंगाल और मद्रास की, उनके पास लेजिस्लेशन के लिए सिर्फ लिमिटेड पावर्स ही हैं और गवर्नर जनरल के पास ये पावर है कि वो सरहद और पंजाब के लिए उसी तरह से काउंसिल्स बनाए जिस तरह दूसरे सूबों के लिए बनाई गई। अब हम देखते हैं कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, उसके बाद इसका आप ड्रॉबैक्स देख लें या फिर इफेक्ट्स देख लें इस एक्ट के क्या थे। द बिगेस्ट डाउन साइड ऑफ द एक्ट वॉज रिलेटेड टू द सिलेक्शन ऑफ एडिशनल मेम्बर्स एंड देयर रोल। सबसे पहले जो यहाँ पे लोगों को रिजर्वेशंस आई वो थी एडिशनल मेंबर की सिलेक्शन पे और उनके रोल पे। जैसा कि आपने देखा, एडिशनल मेंबर्स को बस लिमिटाइज़ किया गया कि 6 से 12 के दरमियान ही एडिशनल मेंबर्स रखे जाएं। साथ साथ उनकी पावर्स को भी लिमिटाइज़ कर दिया गया ये कहकर कि आधे मेंबर्स जो होंगे वो नॉन ऑफिशियल होंगे। रोल ऑफ दीज मेंबर वॉज ओनली एडवाइजरी एंड दे कुड नॉट टेक पार्ट इन द डिस्कशन। ये देखें, यहाँ पे इनको कहा गया कि ये नॉन ऑफिशियल हैं। और नॉन ऑफिशियल रोल क्या होता है कि आपको सिर्फ एक एडवाइजरी के तौर पर काम करना होता है। आप कभी भी किसी भी डिस्कशन में उस तरह से पार्ट नहीं ले सकते या आप अपना कोई भी आइडिया या पॉइंट ऑफ व्यू उस तरह से इनकलकेट नहीं कर सकते जिस तरह के एक ऑफिशियल मेंबर करता है। द नॉन ऑफिशियल मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल वर नॉट इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग द मीटिंग्स ऑफ काउंसिल। ऐसे में फिर जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे उन्होंने कोई भी काउंसिल की मीटिंग को अटेंड करने में अपना इंटरेस्ट शो नहीं किया। मोर ओवर द मेंबर्स वर आल्सो नॉट बाउंड टू अटेंड द मीटिंग। और उसके अलावा जो ऑफिशियल मेंबर्स थे उसको भी इस एक्ट के तहत ये बाउंड नहीं किया गया कि वो कोई भी मीटिंग अटेंड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। द इंडियन मेंबर्स वर नॉट मेड एलिजिबल टू अपोज एनी बिल। और उसके अलावा इंडियन मेंबर्स को ये राइट भी नहीं दिया गया कि अगर कोई बिल उनको ठीक नहीं लगता अपने कंट्री के लिए तो वो उसको अपोज कर सकें। द वर्स्ट थिंग वॉज दैट द बिल वर पास इन वन सिटिंग विदाउट एनी हेल्दी डिस्कशन। और इसकी सबसे बुरी बात इस एक्ट की ये थी, सबसे वर्स्ट पार्ट इस एक्ट का ये था कि कोई भी बिल एक ही सिटिंग में पास हो जाता था। जबकि आप अगर आप अपने लॉ को, कॉन्स्टिट्यूशन को कभी पढ़ें तो आपको ये मालूम होगा कि किस तरह से एक बिल बहुत सारे प्रोसेस से गुजरने के बाद प्रोविंसेस की, फेडरल की, तमाम लोगों की जो कि उस मेंबर होते हैं असेंबली के या किसी काउंसिल के, उनके तमाम के असेंट के बाद, एक डिस्कशन के बाद, उसके ड्रॉबैक्स, उसके प्रोज एंड कॉन्स देखने के बाद पास होता है। जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं था, कोई भी बिल एक ही डिस्कशन में कंप्लीट हो जाता था, लॉ बन जाता था। तो ये वो ड्रॉबैक्स है जो इस एक्ट के थे। जो सबसे बड़ा मसला वो ये आ रहा था कि नॉन ऑफिशियल मेंबर्स का अन इंटरेस्टिंग बिहेवियर, उनका नॉन सीरियस बिहेवियर, उसके साथ जो ऑफिशियल मेंबर्स थे उनका भी कोई सीरियस बिहेवियर नहीं था। और उसके अलावा जो बिल को अपोज करने का राइट था वो नहीं दिया गया, कोई भी एलिजिबल नहीं समझा जाता था। और साथ ही इसमें कोई हेल्दी डिस्कशन भी नहीं थी। जब अपोजिशन स्ट्रांग होगी तभी किसी बिल को अपोज भी किया जाएगा और तभी कोई हेल्दी डिस्कशन भी क्रिएट होगी। तो बच्चों, आप अपना ये एसएलओ अचीव कर चुके हैं। हम 1861 के एक्ट को देख चुके हैं कि उसके मेन प्रोविजंस क्या थे। अब इससे रिलेटेड आप अपना होमवर्क देखें टेक्स्ट बुक से। Choose the correct option and fill the circle. MCQ number 6 is the Government of India Act 1861 was passed on. Government of India Act ka pass hua 1st August ko, 2nd ko, 3rd ko ya 4th August ko. MCQ number 7, in Act of 1861 it was decided that Commander in Chief would be appointed as an extraordinary member of. Jaisa ki aapne dekha, Commander in Chief ko ye extraordinary member ke taur par liya gaya. कहाँ पे? एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, लेजिस्लेचर में, जुडिशरी में, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। वो आपने इंस्टीट्यूशन देखना है जिसमें कमांडर इन चीफ को एज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेंबर ऐड किया गया। देन देयर इज़ अ ब्रीफ आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वाज द लिमिट एंड द टाइम ड्यूरेशन डिफाइंड फॉर द नॉन ऑफिशियल्स इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1861। क्या लिमिट थी, क्या ड्यूरेशन थी? लिमिट्स आपने देखी कि उनकी क्या थी और क्या उनकी ड्यूरेशन थी कि वो कितने साल तक एक्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में। ये जो प्रोविजंस नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को लेके बताई गई वो आपने ब्रीफली डिस्कस करनी है। थैंक यू सो मच फॉर नाउ। अल्लाह हाफिज़।